एक दौर था जब पर्वतीय क्षेत्रों में शादी समारोह सहित अन्य सामाजिक कार्यों में मेहमानों को भोजन परोसने के लिए मालू के पत्तों से बनी प्लेट व कटोरी यानी डोने का प्रयोग किया जाता था। वक्त बदला और मालू के पत्तों से बनी प्लेट व डोने की जगह प्लास्टिक के डोने व प्लेट ने ले ली। अब जबकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया है, नैनीडांडा प्रखंड के अंतर्गत ग्राम मैरा की महिलाएं मालू के पत्तों से बनी डोने प्लेट को बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक का सर्वाधिक प्रयोग शादी समारोह सहित अन्य बड़े कार्यक्रमों के दौरान होता है। इसमें मेहमानों को खाना परोसने के लिए प्लास्टिक के डोने प्लेट का प्रयोग किया जाता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में एक बार फिर से पत्तों की चलन फिर से शुरू हो गया है। नैनीडांडा प्रखंड के अंतर्गत मैरा निवासी सरोजनी देवी के नेतृत्व में यह काम सुचारू रूप से शुरू किया गया है। सिंगल प्लास्टिक यूज वाले उत्पाद व पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगने से इको फ्रेंडली डोना पत्तल का कारोबार बढ़ा है। बाजार में क्रॉकरी बेचने वाले दुकानदारों के पास निर्माता एवं ऑर्डर के लिए आ रहे हैं। अभी तक प्लास्टिक वाले उत्पादनों का अधिक महत्व दिया जा रहा था। पॉलीथीन व सिंगल यूज उत्पादनों पर प्रतिबंध लगने पर कागज के डोने पत्तल कटोरी की बाजार में डिमांड बढ़ गई है। अलीगढ़ के करीब 300 से अधिक ऐसे लोग हैं जो कागज के गिलास, चाय के गिलास, प्लेट व पत्तल तैयार करते हैं। बारहद्वारी, मदार गेट, रेलवे रोड, बड़ा बाजार, महावीरगंज समेत अन्य स्थानों पर डिस्पोजल की बिक्री करने वालों की सप्लाई करते हैं। डिस्पोजल की दुकानों पर अब गिलास व पत्तल का चलन शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या हमें पत्तल डोने को बढ़ावा देना चाहिए या प्लास्टिक डिस्पोजल को बढ़ावा देना चाहिए? मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।